हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाइनेंस के ऊपर टेजोस की लिस्टिंग होगी अब से एक घंटे बाद और उसके क्या मायने हैं टेजोस के लिए और टेजोस इन्वेस्टर्स के लिए, और कुछ आप लोगों के साथ स्टैट्स शेयर करूंगा, अपने थॉट्स शेयर करूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि लॉन्ग टर्म में टेजोस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर, जो यूज़ केसेस आएंगे फॉर द मास अडॉप्शन उसमें क्यों ये लीड ले सकता है, ये सारी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। सो जो भी वीडियो के अंदर मैं कंटेंट लाता हूं आप लोगों के लिए, जो भी रिसर्च करता हूं, मेरा खुद का कहीं ना कहीं एक रिसर्च होता है और एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पज से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूं। इसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। तो फ्रेंड्स, अभी अनाउंसमेंट आई थी कि बाइनेंस जो है वो लिस्ट कर रहा है टेजोस को, और अभी एक घंटे बाद ये ट्रेड करना शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि टेजोस ने किसी भी तरह का फ़ी पे नहीं किया है फॉर द लिस्टिंग, यानी कि ये फ्री लिस्टिंग है टेजोस के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं टेजोस फाउंडेशन के लिए भी अच्छी बात है कि किसी भी तरह का जो फंड है वो खर्च नहीं हुआ टुवर्ड्स दिस लिस्टिंग। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि बाइनेंस के लिस्टिंग के बाद वॉल्यूम भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा, और कुछ हद तक लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी टेजोस के अंदर, क्योंकि टेजोस एक ऐसा प्रोजेक्ट है टॉप 15 टॉप 20 में जिसका वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है, 20 मिलियन के आसपास है आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग। और मैं बात करूँ अदर प्रोजेक्ट्स की तो उनका अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, जैसे कि आप देखोगे टॉप 19 टॉप 20 में, यहाँ पे आप देखोगे $169 मिलियन लिंक का वॉल्यूम है, फिर यहाँ पे आप देखोगे 555 मिलियन ETC का वॉल्यूम है, हुओबी का 117-22। तो मतलब बेसिकली टॉप 20 के अंदर टेजोस का वॉल्यूम काफ़ी कम है, आयोटा का भी कम है, लेकिन हाँ टॉप 20 में बाय एंड लार्ज मतलब जितना इन प्रोजेक्ट्स का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और कहीं ना कहीं ये हेल्प मिलेगा बाइनेंस के लिस्टिंग के बाद, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। और कॉइन बेस ने पहले इसे लिस्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो फ्रेंड्स, टेजोस जो है इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है $2 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये प्राइस देख रहे होंगे $11 या $10 का, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि टेजोस मैं ICO से होल्ड कर रहा हूँ और मुझे एक एक प्राइस मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। कभी भी टेजोस का जो रियल टोकन है वो $5 या $10 के आसपास कभी भी नहीं गया है। जो ये टोकन है वो IOU टोकन है, एक तरह का जो फ्यूचर जिसको आप बोल सकते हो, मतलब रियल टोकन नहीं है। और जो हिट BTC पे ट्रेड करता था उस टाइम जब ये कॉइन को लिस्ट किया था हिट BTC ने IOU टोकन को, और वॉल्यूम भी नहीं, आप देखोगे $6 लाख का वॉल्यूम है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हिट BTC वैसे भी बहुत शेडी एक्सचेंज है, काफ़ी मेरे को स्कैमी एक्सचेंज लगता है, तो उसके प्राइस को हम कंसिडरेशन में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और मैं इस प्राइस को ऑल टाइम हाई बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये रियल प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मायने में देखा जाए तो टेजोस ने कभी भी किसी भी तरह की रैली विटनेस नहीं करी है, यानी कि आज तक टेजोस ने कोई रैली नहीं देखी है। ये लिस्ट हुआ था आई थिंक 4th या 5th जुलाई के आसपास, जब इनका बेटा नेट रिलीज़ हुआ था, और जब लिस्टिंग हुई थी तो $2.25 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद ये ड्रॉप हुआ था आई थिंक $1.50 के आसपास। वहीं पे मैंने सेल किया था, $1.90 के आसपास मैंने अपने टोकन्स को सेल किया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 5th जुलाई को मैंने इसको सेल किया था, सोल्ड टेजोस आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग वेट एट 1.8x इन BTC एंड 4.5x इन INR, यानी कि मोटा मोटा एक साल में मेरे को 5x का रिटर्न मिला था, और आई वॉज नॉट हैप्पी। और जितने भी इन्वेस्टर थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि एक साल तक टोकन होल्ड करके रखा फाउंडेशन ने, और काफ़ी सारी लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और काफ़ी जो सेंटिमेंट था वो लो था, नेगेटिव था, इसलिए मैंने भी इस टोकन को सेल कर दिया एंड आई मूव्ड अवे। फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब इसमें देखा कि लॉ सूट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, डेवलपर्स आ रहे हैं, काम चल रहा है, फिर मैंने इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया
और 42-45 सेंट के आसपास दोबारा मैंने रिकमेंड किया अपने टेलीग्राम के ऊपर, फिर वीडियो भी बनाया। उसके बाद से आप लोग जानते ही हो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मेरे पोर्टफोलियो का 50% जो है वो टेजोस उसका वेटेज रखता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो $2-2 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई के हिसाब से, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैग होल्डर्स नहीं है टेजोस में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत मैं बोलूँगा बड़ी बात है और इसके फेवर में जो जाता है, क्योंकि और जो कॉइन्स है उसमें बहुत सारे बैग होल्डर्स हैं। अगर मैं बात करूँ कार्डानो की या ईओएस की, ये दो जो कॉइन हैं इनको मैं टेजोस के कंपटीशन में रखता हूँ नेक टू नेक। हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है ईओएस और कार्डानो भी, हालांकि कार्डानो एक रिसर्च अभी रिसर्च प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरीके का रिसर्च पेपर है और जिस तरह की कमेंट्री है, एक हाई क्लास प्रोजेक्ट लगता है मुझे भी और सबको लगता है, अनलेस कि कुछ ऐसा हो जाए जो कि लॉन्च ना हो या कुछ बहुत बड़ा मेस हो जाए। बाकी दिखने में पेपर पे काफ़ी अच्छा लगता है, अब डिलीवरी कैसी होगी वी डोंट नो। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस देखे हैं, चाहे कोई आईसीओ भी उठा लो आप या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है मेन नेट डिले होता है, जो माइलस्टोन्स होते हैं वो मिस आउट होते हैं, कि कई सारे प्रोजेक्ट्स से बोलते हैं इस डेट पे हम मेन नेट लॉन्च करेंगे या इस डेट पे हम ये सर्विस लॉन्च करेंगे, और वो खाली प्रॉमिस हो जाता है और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है और फिर जो प्राइस है वो टैंक करता है। और ये मोर देन 50% प्रोजेक्ट के साथ ऐसा देखने को मिला, चाहे आप क्वार्क चेन ले लो, उनका भी यही हुआ था मेन नेट का। फैंटम भी मेन नेट का Q3 कह रहा था, अब Q4 अभी उसको मैं देख रहा हूँ कि क्या सीन है, बाकी Q4 तक आना, मतलब मेरे कहने का मतलब डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो उसी कैटेगरी में अभी भी मैं कार्डानो को रखता हूँ। तो कार्डानो को अगर मैं साइड कर दूँ कि जब कार्डानो एक फंक्शनिंग प्रोडक्ट होगा फिर हम कंपेयर करेंगे कार्डानो को टेजोस के साथ, बचता है फिर ईओएस। ईओएस एक फंक्शनिंग प्रोडक्ट है, डी एप्स बन रहे हैं ईओएस के ऊपर, एक बड़ा हाइप्ड प्रोजेक्ट है, मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट है इथेरियम के बाद अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म के लिहाज से। तो अभी क्या है ईओएस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो वोटिंग होती है ईओएस के अंदर, जहाँ पे 21 ब्लॉक प्रोड्यूसर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि माइन करते हैं ब्लॉक्स को या ब्लॉक ऐड करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, वोटिंग को कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स और कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली है इन रिगार्ड्स टू ईओएस वोटिंग मैकेनिज्म। तो बहुत ही करप्ट मैं बोलूँगा वोटिंग मैकेनिज्म है, और ईओएस हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है मेरे लिहाज से, हो सकता है आई एम रॉन्ग, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स का भी मानना है कि ईओएस जो है वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। विटालिक ने भी कई बार ट्वीट किया है कि ईओएस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ईओएस स्पीड की बात तो करता है, स्केलेबिलिटी की बात तो करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल मिसिंग है। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ईओएस के ऊपर कभी भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि डी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज और ईओएस जो है वो बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिले, अभी स्कैंडल हुआ था ये एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स अबाउट ईओएस आर प्रूविंग ट्रू, कई सारी रेटिंग एजेंसीज भी हैं जो पॉइंट आउट कर रही है कि ईओएस के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, डेवलपर्स भी छोड़ के जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, और हाईली सेंट्रलाइज्ड है और जो वोटिंग इनका है वो हाईली कंट्रोल्ड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे ईओएस डी एप वॉज हैक्ड, द अटैकर स्टोल मोर देन 30,000 ईओएस, सम आर सजेस्टिंग द स्केल ऑफ द अटैक इज मच लार्जर एंड मे इंक्लूड मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स। तो इस तरह के देखोगे कमेंट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। ईओएस वांट्स टू बी अ क्रिप्टो इन विच ट्रांजेक्शन टेक स्प्लिट सेकेंड टू प्रोसेस, द प्रोटोकॉल कैन अपग्रेड मोर इजिली देन ETH और BTS, यूजर कैन रन डी एप्स विदाउट इनकरिंग नेटवर्क फीस, डिड इट सक्सीड। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यूएस के अंदर, तो मुझे लग रहा है, मतलब मेरा जो मानना है, हो सकता है आई एम बायस, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही है वो टेजोस के लिए फ़ायदेमंद है और टेजोस के फेवर में जाती हैं, क्योंकि कार्डानो और ईओएस ये दो जो प्रोजेक्ट हैं नेक टू नेक मैं टेजोस के साथ रख के चल रहा हूँ, लेकिन कार्डानो अभी फंक्शनिंग नहीं है और प्रॉमिस है, और जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे उनका कहीं ना कहीं हिंदी में बोलूँ तो मुंह भंग हो रहा है, और इन्वेस्टर्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, अपना पोजिशन सेल आउट करके मूव कर रहे हैं, और
लोगों को अभी भी भरोसा नहीं कि टाइम पे शेली रिलीज होगा नहीं होगा, और यूएस के साथ इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो ले दे के बचता है टेजोस, जो कि एक हाई क्वालिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन के अंदर। सारे बोलते हैं कि हम ओपन हैं, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है, बट ब्लॉकचेन के अंदर मुझे लगता है 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है उनके अंदर। तो ले दे के मेरे हिसाब से बचता है टेजोस, जो कंपटीशन में अभी भी है और बहुत अच्छे तरीके से है। अगर मैं आपको एक स्टैट्स दिखाऊं, यहाँ पे डेवलपर्स के जो काउंट है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ड्रॉप हुआ है, ये जो बेयर रन हमने देखा है उसके अंदर डेवलपर छोड़ छोड़ के प्रोजेक्ट्स को जा रहे हैं, और जो वन टाइम डेवलपर थे जो ये देख के आए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, मून लैम्बो टाइप के जो लोग थे कुछ भी डेवलप करके एंड दे वांटेड टू रेज फंड्स, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए इस मार्केट से। अब ज़्यादातर जो फुल टाइम है, जो कोर बिलीवर हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वही डेवलपर्स अभी इस मार्केट में हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो टेजोस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। मेकर के अंदर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो मेकर डाओ का जो कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस है और एक रियल यूज़ केस है, आई टोटली लाइक इट। वेव्स में भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, और मैं अगर बात करूँ टेजोस की तो टेजोस के अंदर बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर देखोगे यूएस में 12% का ड्रॉप है यूएस जैसे प्रोजेक्ट में, नियो में 30%, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अगर 30-32% ड्रॉप हो रहा है। ट्रॉन के अंदर 28%, ट्रॉन को मैं बिल्कुल कॉम्पिटिशन में नहीं रखता हूँ टेजोस के साथ, क्योंकि ट्रॉन हाई क्लास प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत शेडी प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं प्राइस कंपेयर करूँ, लेट से एडा को मैं उठाता हूँ, एडा का जो मार्केट कैप था अपने हाई पे वो था आई थिंक 29 बिलियन के आसपास, 29 बिलियन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैग होल्डर्स हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा भी अप जाएगा 20-30-50% तो हमें एक लार्ज जो है सेल वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। सेम गोज विद यूएस, यूएस के अंदर भी आई थिंक $18-20 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, और अगर हम देखें इसका ऑल टाइम हाई पे मार्केट कैप 15-18 बिलियन के आसपास है, यानी कि $21 के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है टेजोस के अंदर कोई भी बैग होल्डर नहीं है, यानी कि $2 इसका हाई है, 50% अपने प्राइस से अभी भी डाउन है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 80-90% डाउन है। तो इसमें अगर इंक्रीमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा बैग होल्डर्स नहीं होंगे, सेल एक बहुत लार्ज सेल वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिलेगा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है 80% जो सप्लाई है, जो 660 मिलियन डॉलर की जो सप्लाई है उसका 80% लॉक्ड है स्टेकिंग के अंदर। हालांकि लॉक में नहीं बोलूंगा, ये लिक्विड है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। और किसी भी ब्लॉकचेन में आप जाते हैं तो अगर DPOs भी है तो उसके अंदर आपको लॉकिंग होती है, इनफैक्ट 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की लॉकिंग नहीं, आप जब भी चाहो उसको लिक्विडेट कर सकते हो। लेकिन यस, 80% लोगों ने स्टेक किया है और उनको मंथली रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स हैं जो सप्लाई में है, और ज़्यादा एक्सचेंज पे जब आने लगेगा तो हो सकता है इसकी डिमांड बढ़े। अगेन सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के साथ, अगर मार्केट में इंक्रीज देखने को मिलता है तो डेफिनेटली सारे कॉइन्स उठेंगे, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर टेजोस जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मेरे हिसाब से, और अच्छा खासा अपने प्राइस को होल्ड करके रख रहा है। यानी कि $1 के आसपास अगर देखो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, 96-97 सेंट से एकदम से बाउंस आ जाता है, हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए, आई एम नॉट TA एक्सपर्ट, लेकिन मुझे लग रहा है $1 एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्राइस है, जहां से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाउनसाइड मुझे नहीं दिखता इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो जो मुझे लग रहा है देखो यूएस 18 बिलियन का मार्केट कैप, ADA 29 बिलियन का मार्केट कैप, तो टेजोस इस हिसाब से मेरे ख्याल से 2 बिलियन का भी मार्केट कैप टेजोस का नहीं गया है, अभी 700 मिलियन है, यानी कि 1.5 बिलियन के आसपास इसका ऑल टाइम हाई पे रहा होगा इसका मार्केट कैप। तो अगर मैं अभी का भी मार्केट कैप देखूँ तो कार्डानो 1 बिलियन है, यानी अभी भी टेजोस काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, प्योरली अगर आप कंपेयर करो टेक के साथ, नंबर ऑफ डेवलपर्स के साथ या यूज केसेस के साथ, तो डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड लगता है। और अभी भी आज के डेट पे अगर हम यूएस का मार्केट कैप देखें तो 3 बिलियन के आसपास है, और किसी भी तरह का अगर बुल रन आता है, जो 2017 के अंदर आया था जहाँ पे 30-30 बिलियन का मार्केट कैप कार्डानो जैसे प्रोजेक्ट
ने दिखाया था, तो इस तरह का अगर इंक्रीज आता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 30 बिलियन या उससे भी ज़्यादा का मार्केट कैप जो है टेजोस कमांड करे. लेकिन अगेन ये लॉन्ग टर्म है, वी डोंट नो कि कब बड़ा बुल रन आएगा जहाँ पे मार्केट जो है वो नया हाई बनाए 800 बिलियन के ऊपर. 800 बिलियन के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली टेजोस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मार्केट कैप मैं देख पा रहा हूँ. लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि $1 एक अच्छा प्राइस है और मेरे ख्याल से $2.25 जाना बहुत बड़ी बात नहीं है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. मीडियम टर्म का मतलब होता है एटलीस्ट 3 to 6 months. तो मैं किसी तरह का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ. मैं वैसे भी मेरा जो होल्डिंग टाइम है एटलीस्ट 1 year का है. 1 year के बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है. और किसी भी तरीके का अगर पंप आता है बाइनेंस पे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि टेजोस बहुत ज़्यादा पंप करेगा क्योंकि मार्केट की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. अगर $2 के आसपास जाता है तो जो मेरा सीड मनी है उसका कम से कम 50% मैं सेल आउट करूंगा और उसके ऊपर फिर जैसे भी ये जाता है फिर देखूंगा मुझे क्या करना है. तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू, गुड डे.